कलाशाला भद्रवाड़ के छात्र एवं छात्राएं आपके समक्ष पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से एक लघु नाटिका प्रस्तुत करने जा रहे हैं। नदियां, जंगल, झरने, पर्वत, रखना इन्हें संभाल कर। नदियां, जंगल, झरने, पर्वत, रखना इन्हें संभाल कर धरती माँ की अपने किसान पुत्रों और समस्त जनता से पर्यावरण संरक्षण के लिए एक ममता मई गुहार। आइए देखते हैं और समझते हैं एक लघु नाटिका धरती कहे पुकार के।
रहे हैं। इस रंगमंच के खेल खेल में सबको बताने आए हैं, तू देख शरीर जल रहा है, चमड़ी फट रही है।
सांस भी नहीं आ रही, कलेजा फट रहा है, शरीर का रंग बदल रहा है। हाय, ये क्या हो रहा है? अरे ये तो प्रलय है। नहीं, ये तो महाप्रलय है। आखिर हमारा कसूर क्या है? हमारा कसूर क्या है? तुम्हारा कसूर क्या है मैं बताती हूँ। तुम्हारा कसूर क्या है? पेड़ों का अंधाधुंध कटाव, रासायनिक खाद, प्लास्टिक का अंधाधुंध उपयोग, यही है तुम्हारा कसूर। जो रासायनिक खाद आज हम अपने खेतों में डाल रहे हैं वह आज तो लाभ देगी, लेकिन समय आने पर उसी रासायनिक खाद के नुकसान भी हैं। हजारों साल से मनुष्य इस धरती की गोद में रहता आया है, लेकिन आज मैं धरती आपसे पूछती हूँ, बदले में आपने इस धरती को क्या दिया? ये घातक रसायन, दूषित वायु, दूषित वातावरण, जहाँ सांस भी नहीं ली जा रही है। लगता है थोड़े से अधिक लालच के लिए आप सब तो अपने बच्चों के भविष्य के बारे में भूल गए हैं। जरा सोचिए, क्या आप अपने बच्चों को ऐसे खेत देना चाहते हैं जो दूषित हो, ऐसा वातावरण देना चाहते हैं जहाँ सांस भी नहीं ली जा रही है? अरे तुम तो हिमाचल के बेटे हो, पूरे भारत के बेटे हो, अब तुम ही इन्हें बताओ। धरती माँ, आओ अपने देशवासिया अपने प्रदेशवासिया जो बस इतना बोलना चाह भाई, प्रकृतिया जो बचाना मेरी मांग बन गई, प्रकृतिया ने नाश किया सारे जीव जंतु का नाश, गांधी जी कुछ नहीं कर रहा, आसे आज भी प्रकृतिया जो बचाई सका है, अपने आस पास सारे वातावरण जो भी हरा भरा करी सका है, इतने कठे आसो जैविक इतना जो बढ़ावा देना पौना, रासायनिक इंधनारा प्रयोग कम करना पौना, तू सालों का जो पता नहीं है, इतने प्लास्टिक का प्रयोग जिया से करा है, यहाँ सारे कठे जहर आते भी खतरनाक है, इतना प्रयोग करने के बाद आ सीते ही है सटी दे, पर ना तो ये गलता ना सड़ता, कने मिट्टी की उर्वरकता जो कम करा से अलग, और गड़िया से निकलने वाला धुआं, कने कारखाने से निकलने वाला धुआं आ सारी वायु जो प्रदूषित करा, कने आ सारे द्वारा नदियां नाले अंदर सटरा कचरा, कने कारखाने से निकलने वाला जहरीला रसायन आ सारे पानी जो दूषित करा करा, तांजे आसा सारिया दूषित वायु अंदर सा लेना, कने गंदा पानी पीना, ता आ सारा शरीर बीमारियां ने घिर आना, कने सेज पैसा आ सारी रोजमर्रा री जिंदगी जो जरूरत जो पूरा करने रे कठे लगा से आ सारी बीमारियां पर खर्च हुई आना। धरती माता, आओ अपने देशवासिया कने प्रदेशवासिया जो बस इतना है बोलना चाह भाई, आ सजो प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि कपड़े री थैलिया का प्रयोग करना चाहिए, ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाली गड्डिया का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए, आसो अपने आस पास सारा वातावरण साफ रखना चाहिए, कूड़ा कने कचरा सा हो कूड़े दान अंदर डालना चाहिए। धरती माता, जे आसे प्रकृतिया ने मित्रा सा ही व्यवहार रख गए, ताए आसरी प्रकृतिया सुंदर तथे कने देशवासिया कने प्रदेशवासिया खुशहाल कने समृद्ध रहना। Thank you.
प्रकृति तुम्हारी बाढ़ के जैसी क्षमता है।